चैनल। सो टुडे जब आज मेरा साथ बहुत ही कुछ अच्छा हादसा हुआ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट हादसा नहीं बट एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान से मेरा इंटरेक्शन हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस जीरो विलेज पे जिस होम स्टे आवासा होम स्टे पे मैं रह रहा था उसके जस्ट अपोजिट पे है इस पर्सन के घर। इसका भी खुद का एक कीवी ऑर्चर्ड है, बट वो कीवी ऑर्चर्ड तो वो एक दूसरा है, बट जो मेन थिंग है इस पर्सन का आपको मैं दिखाता हूँ कितना टैलेंटेड पर्सन है ये जो शिरो विलेज से है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसका हैंडीक्राफ्ट आइटम। सबसे पहले तो आप ये देखिए इसका डेमोंस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आप ये देखिए ये प्योरली खुद का ये वुडन से बना हुआ है, खुद से बनाया हुआ है। एंड दीज आर ये सभी उसने खुद से बनाई, डिटेलिंग देखिए आप इसका कितने अच्छे से बना हुआ है। इसने खुद से अपने हाथों से बनाया है विदाउट एनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीन एंड ऑल, इसने सभी अपने हाथों से बनाया हुआ है। इसी तरह के क्राफ्ट यहाँ पे भी बहुत सारे आप देख सकते हैं। दिस आर द रफ क्राफ्ट, दिस आर नॉट द ओरिजिनल क्राफ्ट, लाइक नॉट दिस आर नॉट डुप्लीकेट एज वेल, बट दिस आर द रफ क्राफ्ट। एज यू कैन सी हियर दिस आर ऑल पाइल अप हियर। ओके मेनली कम लेट्स हैव एन इंटरव्यू विद आदर। आदर आई एम सो सॉरी आदर, आदर ये है आदर, आपके नाम बताइए। मेरा नाम हिवा और मैं सो में रहता हूँ, इसको नाम बला जाता है। मेरा ये किले का नाम यहाँ और काफ़ी सब बगरा बनाता है। मेरा ये बचपन से इस तरह सोलन से मेरा ये और काफ़ी था, ये मेरा पृथ्वी था, ये मेरा दिमाग में था, उसमें मैंने शुरुआत करके आज तक मैं बना रहा हूँ। अच्छा तो आपने कब से बनाना स्टार्ट किया ये जो क्राफ्ट वगैरह है? जो यार आपको अभी तो ये थोड़ा 2000 चल रहा है ना, मेरा अभी 15 इयर्स नॉट लेस देन 20 इयर्स चल रहा है। तो आपने ये क्राफ्ट में किसी से सीखा है बनाने की या फिर आपने खुद से सीखा है? नहीं, हम खुद से, हम बचपन से मेरा ये थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी मेरा माइंड दिमाग में था, हम कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है। नेचुरली खुद से आप बनाते हो? नेचुरली हम खुद बनाता है, नेचुरली हम खुद, मेरा कुछ मतलब ये टूस बगरा भी नहीं, हम दाव चाकू से बना, बस दाव और चाकू के सहारे। हां दाव और चाकू के सहारे। तो आप आपके थोड़ा सा कुछ जो क्राफ्ट के जो आइटम्स आप हमें शो करना चाहेंगे? हां शो करना चाहेंगे, जरूर चाहूंगा जी, प्लीज दिखाइए हमें आपके अच्छे से अच्छा जो क्राफ्ट मिल्स हैं। आइए गाइस देखते हैं। अच्छा देखिए मेरा आप लोग जी, ये तो हम देख ही चुके हैं, ये तो बस एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन है, अंदर भी और भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बने हुए हैं जो कि आप दिखाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अंदर के बाकी के बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि ये बस्ती है, ये गांव है, तो लाइटनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह रहा है गाइस, बट तेल की कोई कमी नहीं है आप देख सकते हो। छोटा सा शोरूम है, ये छोटा सा वर्कशॉप है इसका, शोरूम टाइप का आप देख सकते हो। ये भी इसने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन सर्टिफिकेट आपका ये मतलब जो ये केमर ऑर्डर सर डीसी का जी डिप्टी काउंसिलर लॉ फैशन डिस्ट्रिक्ट में जी और विजिट करने आया था। ये कैमरा ये ताकि तक सर हम आकर के हम तो ये देख के। तो सर जी आप ये सब सामान सेल भी करते हो? ये हम ये जंगल में कहीं हम ये लकड़ी लेने जाता हूँ, कहीं हम ये बगान सफर करने जाते, तो जो ये सरावा ये असेंबल जगह हम उतार के लेके बनाते हैं। तो सर आप इसको सेल भी करते हो? कोई अगर कस्टमर आपको कस्टमाइज करने के लिए बोले कि मतलब हमको इस तरह का डिजाइन चाहिए, इस तरह का अगर कोई बोल के ऑर्डर दिया तो आप बना देते हो? हाँ बना देता हूँ, ये ऑर्डर भी करते हैं आप लोग का, ये जो आप लोग एंजॉय आगे अचीव करके टूरिज्म, ये टूरिस्ट लोग हाउस ये मतलब होम स्टे रहने वाला लोग और ये फॉरेनर अमेरिका से जापान से ब्रिटेन से वो भीतर आ कर के जो ये छोटा मोटा को लेके ले जाते हैं मेरे कलकत्ता तक जाते हैं मेरा। तो प्राइस रेंज सर आपका कितना से स्टार्ट होते हैं, कितने कितने में बेचते हैं? जैसे कि इसका एक एग्जांपल लीजिए, इसका आप कितने में बेचते हैं? मेरा ये हम दिन में ये कितने में मतलब ना आप जो शेप में चाहते हो, जो डिजाइन चाहते हो, ये भी आप बनवा सकते हो। वैसे कितना दिन लगता है आपको एक कम से कम से एक दिन लग जाए उसको बर्निश वगैरह या सीरीज पेपर भी तो तीन बार मारना पड़ता है, उसको कम से कम मिनिमम ये वन डे। सो गाइस इस छोटे छोटे स्कल्पचर जो है जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर वाले को बनाने में एक दिन लगते हैं,
और जो कि इस तरह के जो बड़े वाले आइटम्स है, लेट मी शो यू गाइस कितना अच्छा है। सी कितना ओरिजिनल लग रहा है, देखिए कितना अच्छा, कितना डिटेलिंग दिया हुआ है। तो सर इसका प्राइस कैसे करके देते हैं? ये तो अगर ये मैडम ये कम से मिनिमम नोट लेस देन 1500 ये जो लोएस्ट प्राइस। ओके दिस इज द लोएस्ट प्राइस। एक्चुअली जो जिसको जो हैंडीक्राफ्ट आइटम जो डेकोरेशन का आइटम खरीदते हो उसको पता होगा कि इसका प्राइस सस्ता है या महंगा। वेल अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ही कम, बहुत ही मतलब सस्ते में आपको मिल रहा है, क्योंकि इस प्राइस में इस तरह का कारीगरी काम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको बस जीरो पे ही मिलेगा, शीरो पे। और अच्छी बात ये है कि आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपकी बहुत तरह तरह की। ये तो बस आधा डेमोन्स्ट्रेशन है, बाकी का काम आप देख सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा सा काम किया गया है। वहां पे भी है, आप बाकी पे भी देखिएगा। ये जो कि गांव है और अभी ठंड के सीजन है तो अभी ऑलरेडी शाम हो चुके हैं, तो इसलिए लाइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट गाइस आप देख सकते हो टैलेंट की खुद के यहाँ पे बड़ा टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बने। तो इसके अलावा सर आपके पास और भी आप बनाए हुए स्टॉक पे ही क्या? ये पूरा काम हुआ है क्या या फिर नहीं हुआ? ये तो ये हम ये ऑर्डर था, हम अभी तक ज्ञान ही है था ना कि किस वक्त लगता है ये पानी अच्छा। अगर कोई इस तरह का फ्लावर ऑर्डर करना चाहेगा तो इसका प्राइस रेंज किस तरह का रहेगा सर? आप थोड़ा कैन यू बिलीव 100-200 आजकल 100-200 में आपको सामान कहाँ मिलते हैं? जहाँ 1000-2000 के सामान है यहाँ पे आपको 100 रुपए में इतने अच्छे काम के वाले मिल रहे हैं। लाइक ये तो आप खुद ही जान लो, आप तो बाकी तो आप सब सभी समझदार हो। तो बाकी का काम सर आप दिखाना चाहेंगे या फिर और दिखाना चाहूंगा? इधर उधर बना। ओके सो दिस इज अनदर वर्कशॉप ऑफ सर। देखते हैं यहाँ पे इस तरह का ट्रेडिशनल घर है जो कि आप देख सकते हो। इसमें सर का और भी बहुत ही काम किया वाला जो आइटम्स और क्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा आप देख सकते हैं। जरा लाइट दीजिए हमें। These are all purely handmade without using any specialized tools and all. These are purely made from the local dao and the knife. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कीवी का भी स्टोरेज रूम है, जो कि मैंने आपको पहले में बताया था कि सर का खुद का भी एक कीवी और चाट है जहाँ पे आपको प्योर एंड ऑर्गेनिक कीवी और चाट मिलेंगे। आई मीन प्योर एंड ऑर्गेनिक कीवी खाने को मिलेंगे जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वीट है। इस कारीगर को आप देख सकते हो, इसे मिले ये है मोस्ट टैलेंटेड पर्सन जो अभी आपने जितने भी क्राफ्ट सुंदर सुंदर क्राफ्ट देखे हैं की बदौलत आप देखने को मिल रहे हैं। और बहुत ही कम पैसे और बहुत ही कम पे आपको इतना अच्छा सा सामान मिल रहा है। अगर आपको कस्टमाइज चाहिए कुछ भी हो, कोई भी डिजाइन हो, कितने भी साइज का हो, आप इसकी सर से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस डिटेल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बिलो पे मैं दे दूंगा, आप जरूर चेक कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।